अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज वजीर आजम मोदी का बयान सुनकर कभी हंसी आती है तो कभी ताज्जुब भी लगता है। कैसे जमहूरियत संविधान डेमोक्रेसी की कसीदे पढ़े जा रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि संविधान को कुचलने की कोशिश की जाएगी तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और साथ में ये भी कहा कि दुनिया में कहीं पर भी जाता हूं तो फख्र होता है कि भारत में जमहूरियत है और भारत जमहूरियत की माँ है। अब इसे क्या कहा जाए? आज उस वक्त ये बयानबाजी वजीर आजम कर रहे थे जब साबिक आईपीएस अफसर संजू भट्ट को गुजरात दंगों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरात दंगों के बारे में शायद किसी को कुछ तफसीलात पेश करने की जरूरत नहीं है। हजारों मुसलमानों की नस्लकशी के लिए वजीर आजम पर भी मुकदमे दर्ज किए गए थे, लिहाजा इसमें से अदालत ने बाइज्जत बरी करते हुए एक अजीब फैसला भी सुनाया कि जिन्होंने भी वजीर आजम पर मुकदमे दर्ज किए थे उन्हें अदालत की गुमराही करने का इल्जाम लगाकर गिरफ्तार किया जाए। और वैसा ही हुआ। जिस तिस्ता सितलवाड ने जकिया जाफरी का साथ दिया था उसे अहमदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक और साबिक पुलिस अफसर आरबी श्रीनिवास को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये तमाम मोदी हुकूमत के खिलाफ थे और मोदी के खिलाफ थे। संजू भट्ट पर इल्जाम है कि गुजरात दंगों में बेगुनाहों को गिरफ्तार कर मुकदमे दर्ज किए थे। अब ये बेगुनाह कौन हो सकते है ये भी समझने की जरूरत है। किस बेरहमी से मुसलमानों को एक तरफा मारा गया, और इसमें सीधे तौर पर वजीर आजम मोदी जो उस वक्त वजीर आला थे और अमित शाह जो गुजरात के गृह मंत्री थे। लोकतंत्र का कत्ल वैसे भी भारत में कब का हो चुका है। जब मोदी सरकार इख्तदार पजीर हुई थी कोई ऐसा फैसला दिखाया जाए जो जमहूरियत के आईन मुताबिक हुआ। जितने भी फैसले लिए गए और लिए जा रहे सभी मनमानी और मुल्क के आईन के खिलाफ ही दिए जा रहे हैं, ऐसा कई साबिक जस्टिसों का कहना है। और कई ने उन्होंने खुलकर भी अपनी बात रखी है। अब जिन्होंने भी खुलकर बात रखी है उनके ऊपर भी मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। अब तो कोई भी जबान भी हिला दे तो मुकदमे दायर किए जाते हैं। और आज वजीर आजम संविधान जमहूरियत लोकतंत्र पर भाषण दे रहे हैं। इसे कहते हैं चालाकी, इसे कहते हैं सियासत की साजिश है। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चे नहीं होते की तरह यहां आवाज उठाना जुर्म है। एक दो नहीं सैकड़ों वाकया दर्ज हो चुके हैं। जो भी सत्ता से सवाल पूछता है इसे देश विरोधी, पाकिस्तानी, खलिस्तानी, नक्सलवादी कहा जाता है। इसके बावजूद ये कहा जाता है कि हमें फक्र है, भारत दुनिया की सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी जमहूरियत है। यह फैसले संविधान के साथ लिए जाते हैं। कथनी और करनी में किस तरह से फर्क है इसी को कहते हैं। आज वजीर आजम ने कहा कि भारत के लोकतंत्र की तारीफ हो रही है, जबकि सभी जानते हैं कि भारत की दुनिया भर में फजीहत हो रही है। कई मुल्कों ने भारत में बढ़ती मजहबी तशद्दुद, मुसलमानों पर हो रहे हमले, दलितों पर ज्यादतियां, चर्च को निशाना बनाना और इन तमाम के लिए अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाले हिंदुत्ववादी तंजीमें सरगर्म है और इन्हीं की सरपरस्ती में तमाम हो रहा है। और इन्हें पुलिस के साथ हुकूमतों की हिमायत भी हासिल होती जा रही है। अदालतों से क्या फैसला कब किसके खिलाफ आए कह नहीं सकते। इसके बावजूद भी मेरा भारत महान के नारे संघी भाजपाइयों की जानिब से लगाए जाते हैं। अब तो भारत एक देश एक पार्टी की तरफ चल पड़ा है। संविधान की तो धज्जियां रोजाना उड़ाई जा रही है। अवाम वोट एक पार्टी को देती है लेकिन इसे मोदी हुकूमत पैसों और सरकारी एजेंसियों के छापेमारी कर या जेल भेज देती है, खरीद लेती है। और यही शायद नए लोकतंत्र के मायने हैं। साफियों पर हमलों में भारत अव्वल नंबर की तरफ बढ़ रहा है। भुखमरी, बेरोजगारी के साथ रुपये की तारीखी गिरावट देखी जा रही है। हिटलर शाही से भी दो कदम आगे मोदी सरकार जाने की कोशिश कर रही है, ऐसा कहना गलत ना होगा। और ऐसा कहा भी जा रहा है। ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर को लेकर आवाजें उठ रही है लेकिन हुकूमत की हिटलर शाही के आगे कुछ भी नहीं चल रहा। हर कोई दम तोड़ता नजर आ रहा है। इसके बावजूद भी वजीर आजम लोकतंत्र और आवाम की हुकूमत, आवाम के हुकूक की दुहाई देते हुए देखा जाता है। हंसी आती है ऐसे बातों पर, इनकी बयानबाजी पर। आज इस मौजू पर बोलना इसलिए भी जरूर समझा क्योंकि मोदी हुकूमत खुद इस संविधान के विरोध में है और कैसे संविधान की फजीलत बयान करती है, मतलब इनका दोगला रवैया साफ नजर आता है। आज ही के दिन एक और अहम वारदात इसी लोकतंत्र को शमशान करने वाली पेश आई। कुछ सवर्ण हिंदुओं ने दलितों को शमशान घाट जाने का रास्ता रोकते हुए दीवार तामीर कर दी जिसे फांद कर शमशान घाट जाना पड़ रहा है। और आज दलित की मौत के बाद कैसे मैयत को दीवार फांद कर ले जाया गया इसका वीडियो भी वायरल हो चुका है। क्या वजीर आजम यही आपका ये लोकतंत्र है जिसकी आप बार बार दुहाई दे रहे? एक और खबर का जिक्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज वजीर आजम ने लोकतंत्र जमहूरियत पर बड़ा भाषण दिया है। पूरे देश में एक तरफ मजहबी तशद्दुद, हिंदू मुस्लिम की आग लगाकर संविधान लोकतंत्र की बात बजाहिर की जा रही है। आज अयोध्या में एक महंत ने 20 साल की दलित लड़की की अस्मत रिजिया ने बलात्कार किया। झाड़ फूंक के बहाने इस महंत ने लड़की को कमरे में बुलाकर इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया, लिहाजा महंत को गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमा भी दर्ज किया गया। खैर इस पर तमाम मीडिया खामोश है ये अलग बात है, क्योंकि मजा तो तब आता है जब कोई मुसलमान इस तरह की हरकत करता है। डिबेट, बहस, मुबासे करने में जोश भी आ जाता है एंकरों को।
एक धर्मविशेष को बार बार कटघरे में खड़ा करने का बेहतरीन मौका मिलता, लिहाजा महंत ने किया है तो इसे शायद क्लीन चिट भी मिल सकती है। जुर्म तब तक जुर्म नहीं हो सकता जब तक कि मुजरिम का नाम मुसलमान न हो। जहां भी गैर भाजपाई हुकूमतें होती है, इसी संविधान को पैरों तले रौंद कर भाजपा की हुकूमत बनाई जाती है और दोहाई उसी संविधान की दी जाती है। वजीर आजम का बयान और हकीकत किस तरह गुमराह करने वाला था, इसका एहसास एक बार फिर जरूर हुआ है। लिहाजा संविधान को ना मानने वालों ने ही संविधान की दुहाई देते हुए सत्ता से सवाल करने वालों के साथ क्या किया है, ये भी अहम है। आवाम को सोचना है कि अगर चुनाव होते हैं तो। ये बात कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके आगे चुनाव होंगे भी या नहीं ये कह नहीं सकते, तो संविधान को कैसे बचाया जाए क्योंकि आगे क्या चुनाव होंगे भी या नहीं इस पर सोचना जरूरी है। इसलिए कि संविधान की दुहाई देने वालों ने संविधान को ही खत्म कर दिया है और यही सच्चाई है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।